छत्तीसगढ़ से है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को घोटाले की जननी कहा है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस है वहां घोटाले होंगे। देश में पनडुब्बी घोटाला हुआ है, हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला हुआ है, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ है, मनरेगा में भी घोटाला कांग्रेस के समय ही हुआ है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार और लूट की गारंटी है। कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक सिक्के के दो पहलू है। नड्डा ने कहा कि भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 5000 करोड़ का चावल घोटाला हुआ, 540 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, 1300 करोड़ रुपए का गौठान घोटाला किया गया है। आज इनके ऊपर कई अधिकारी जेल में बंद हैं। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार सभी लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का कवर दे रही है। बीजेपी की सरकार आती है तो ये राशि 10 लाख रुपए की जाएगी, 18 लाख मकान बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने आवास योजना की राशि भेजी थी लेकिन भूपेश बघेल ने 12 लाख मकान बनवाए नहीं। कांग्रेस पार्टी का मतलब है लूट, कांग्रेस पार्टी का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है अत्याचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है धोखा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है अनाचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है करप्शन, कांग्रेस पार्टी का मतलब है विनाशकारी नीति, और कांग्रेस पार्टी का मतलब है परिवारवाद, परिवारवाद, वंशवाद। ये कांग्रेस की पहचान है। जहां कांग्रेस होगी वहीं भ्रष्टाचार होगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बोलो मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बोलो ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? पीछे से आवाज आनी चाहिए, ठीक बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? और जब भारतीय जनता पार्टी की बात बोलता हूं तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है तरक्की, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ इलाके के विकास के लिए, समाज सेवा के लिए जुट जाना। ये